हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका एक और नई वीडियो में। अगर आपके पास भी Realme का फ़ोन है, Realme A1 की डिवाइस है और इसमें अगर आपको कैमरा के अंदर ब्लैक स्क्रीन की आ रही है दिक्कत, तो कैसे आप इसको ठीक करोगे? यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे हमने कैमरा को खोल रखा है तो कैमरा के अंदर ब्लैक स्क्रीन शो हो रहा है। कुछ भी यहाँ पे जो है फ़ोटो हम क्लिक नहीं कर पा रहे हैं, ब्लैक स्क्रीन ही शो हो रही है। सो इसको कैसे आप ठीक करोगे उस वीडियो में आपको बताऊँगा। सो आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो सिंपल तरीके से इस प्रॉब्लम का हल देखते हैं क्या करना है आपको। सबसे पहले आप क्या करना, अपने फ़ोन के अंदर जो है यहाँ पे कैमरे को बंद करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको अपने कैमरे की जो एप्लीकेशन है उसके ऊपर लॉन्ग प्रेस करके रखना है। इस तरीके से जो है दबा के रखेंगे इस तरीके से, तो यहाँ पे ऐप इन्फो लिखा आ जाएगा, ठीक है। या फिर इस तरीके का एक सर्कल और उसमें आई बना हुआ है, ये आ जाएगा कैमरे के बगल में। तो ये सर्कल और उसमें आई बना हुआ आइकॉन है, इसे ऐप इन्फो कहा जाता है। तो अगर आप में ऐप इन्फो लिखा नहीं आता है तो आप इस वाले ऑप्शन के ऊपर या फिर डायरेक्टली ऐप इन्फो के ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने पर इस तरीके की सेटिंग आ जाएगी। आपको नीचे स्क्रॉल करना होगा, स्टोरेज में आपको चले जाना है। स्टोरेज में आने के बाद क्लियर डेटा लिखा है, इसके ऊपर क्लिक करना है और ओके पर दबा देना है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे हम इसको करते हैं, अब आपको अपने फ़ोन की दोबारा से कैमरा की ऐप जो है खोल लेनी है। और यहाँ पे आपके सामने इस तरीके से आपकी कैमरा की ऐप जो है चलना स्टार्ट हो जाएगी, ब्लैक स्क्रीन आपकी ठीक हो जाएगी। तो ये सेटिंग आपको कर लेनी है। इसके अलावा अगर आपके जो कैमरा है उसके अंदर कोई भी ख़राब चीज़ लग जाती है तो आप उसको एक तरीके से जो है किसी भी कपड़े से पोंछ लेंगे, तो उसके बाद भी आपका जो कैमरा है वो सही तरीके से काम करना शुरू हो जाएगा और यहाँ पे ब्लैक स्क्रीन की जो एरर आ रही थी वो भी हट जाएगी। बाकी अगर आप नाइट में रात को जो है कैमरे का यूज़ करते हैं, देन आपको यहाँ पे ऊपर ये जो एरो है उसके ऊपर क्लिक करके यहाँ से आपको फ्लैश ऑन कर लेना है, जिससे कि जो है फ़ोटो आपकी ब्लैक ना आए या फिर ब्लैक यहाँ पे स्क्रीन ना शो हो, ठीक है। ये सेटिंग करनी है, यानी कि फ्लैश वाला ऑप्शन आपको इनेबल कर लेना है। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।